आज इस वीडियो में हम बर्तनों की क्षमता का अनुमान लगाना सीखेंगे। आइए देखें कि गैफी आज पानी से क्या गतिविधि कर रही है। माँ, स्कूल में हमारी मैडम ने हमें समझाया है कि अलग अलग बर्तनों की क्षमता अलग अलग होती है, और ये टेबल भी भरना है जिसमें ये अनुमान लगाना है कि किस गतिविधि में हम कितने मग पानी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मेरी इस कार्य को करने में मदद करेंगी? हाँ, जरूर। ठीक है माँ। ब्रश करने के लिए तुम कितना पानी इस्तेमाल करती हो गैफी? शायद एक मग। नहाने के लिए तुम कितना पानी इस्तेमाल करती हो गैफी? एक बाल्टी। एक बाल्टी कितने मग से भरेगी? शायद 10। चार मग पानी से तुम्हारी बाल्टी आधी भर गई है। पूरी बाल्टी भरने के लिए कितने मग और पानी चाहिए होगा? माँ, चार मग पानी और डालने से ये बाल्टी पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा गैफी। मैं एक दिन में 5 ग्लास पानी पीती हूँ, लेकिन ग्लास तो मग से बहुत छोटा है। देखते हैं एक मग से कितने ग्लास पानी भरते हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं एक मग पानी से कितने ग्लास पानी भर सकते हैं? एक मग पानी से 3 ग्लास भर सकते हैं। यदि एक मग से 3 ग्लास पानी भरता है तो 2 मग से भरेंगे 6 ग्लास पानी। गैफी, क्या तुम बता सकती हो अब हमें एक दिन में कितने ग्लास पानी चाहिए होगा? हमें 2 मग से थोड़ा कम पानी चाहिए होगा। बच्चों, अब आपकी बारी है गैफी की तरह अनुमान लगाने की। आप भी गैफी की तरह ऐसे ही एक टेबल बनाएं और इस्तेमाल किए गए पानी के मगों की संख्या लिखें। आप अपना उत्तर अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ साझा करें। बच्चों, इस वीडियो में हमने बर्तनों की क्षमता का अनुमान लगाना सीखा।